मैं सीएबी के खिलाफ हूँ, जिसको जाना है व्लॉग छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा था कि स्वागत एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, और बट रिकॉर्डिंग माइक में नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कि शायद मेरा बोया माइक सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया था फॉर दिस शॉट ओनली। कि आप फुटेज कंटिन्यू कर सकते हैं, शुक्रिया आपका। एक दिन पूछा हम दुकान पे गए बाल कटवाने, समझे? तो मुझसे वो बोल रहा है कि सर आपके बालों में काफी ज्यादा डैंड्रफ है, तो क्या सर आप इसको पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं? तो आई सेड कि डैंड्रफ क्या होता है, आप इसकी डिफिनेशन बता दीजिए, मैं कटवा करवा लूंगा। तो कह रहे डैंड्रफ मतलब एक होता है डैंड्रफ, ठीक है, और बड़ा प्रोफेशनल था। तो मैंने उसको समझाया बेटे डैंड्रफ ये नहीं, ये होता है। तो क्या हाँ, हमने कहा मुझे नहीं करवाना है, वो जाड़े में कितना भी करवा लो मेरे डेंटर रहता है। जितना छोटा नाई उतना ज्यादा कलाकार, उससे कहोगे इतना काटने का वो काट देगा। अगर आप उससे कहो कि मेरे बाल इतने बड़े रहने चाहिए, वो आप काटते काटते छांटते छांटते इतना बड़ा छोड़ेगा। तो मैंने उसको कर दिया आइडिया क्रैक। अब मैं करता क्या हूँ, मुझे जितना बड़ा कटवाना रहता है उससे ज्यादा बड़ा बोलता हूँ। एक नट काफी देर से डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं उस नट को छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक नट की वजह से टाइम काफी जा रहा है एक घंटा हो गया अप्रोक्सीमेटली मुझे लगाते लगाते। तो फाइनल सेटअप कर लेते हैं। फाइनली बन गई, देख लो। फटे हुए कपड़े या फैले हुए कपड़े। तो कल मिलते हैं, ब्लॉग को कल कंप्लीट करेंगे। कल व्लॉग में कुछ और होगा, इंटरेस्टिंग होगा, देखिएगा। तो आज इम्पोर्टेंट बात ये है, आज इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो इम्पोर्टेंट बात जो आज की है वो एक सुबह उठने की बात है। तो गुड मॉर्निंग। तो कल की पैकिंग के बाद आज मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है एक्चुअली। इस वक्त बज रहा है 1:07, फोकस कर ले बेटा, 1:07। तो बात भी करते रहेंगे अपन, चाय भी पीते रहेंगे, ठीक है, ओके। अगर आप मॉर्निंग उठना चाह रहे हो और नहीं उठ पा रहे हो तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आज आपका भाई आपको सही तरीका सही वे बताएगा कि मॉर्निंग उठने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये चल 1 बजे उठा है साला खुद, बगैर मैं 1 बजे नहीं उठाऊँ, मेरी एक आदत है। हो सकता है कई लोगों की इनमें से आदत हो कि वो उठने के बाद 1 घंटा बेड पर बिताते हैं। हाँ, फ़ोन नहीं छूता हूँ, बस 1 घंटा लेटा रहता हूँ, थोड़ा सा सुकून मिलता है। कैमरे को वापस सेट करते हैं। एक्चुअली एक रिसर्च हुआ, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो लोग रात में जगते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट आप हो सकते हो, तो आप रात में जगो और इंटेलिजेंट बनो, ठीक है। क्यों, अब मॉर्निंग में उठने के लिए क्यों? तो फैजान सर ने कल एक स्टोरी बताई, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। स्टोरी ये है कि एक बच्चा है ना, एक बच्चे ने बच्चे को पार्टी दी और उसने चिकन, मतलब चिकन की पार्टी दी। तो चिकन की पार्टी में क्या हुआ कि उसके दोस्त ने देखा कि चिक पीस जो थी वो कटी हुई थी। ये मेरी स्टोरी नहीं, फैजान सर ने मुझे बताई, तो मुझे लगा आपको बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानना है। तो लेग पीस कटी हुई निकली, तो जब लेग पीस कटी हुई निकली तो उसके दोस्त ने कहा भाई ये लेग पीस अगर मतलब कटी हुई नहीं रहती तो काफ़ी अच्छी रहती। तो उसने कहा हाँ यार मुझे नहीं पता, मैं अपने पापा से पूछता हूँ। तो अपने पापा के पास जाता है, पापा कहता है यार मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ऐसे ही मेरे पापा करते थे। तो वो एक्चुअली दादा के पास जाता है। जब दादा के पास जाता है तो दादा कहते हैं कि हमको भी नहीं पता, क्योंकि ये एक्चुअली लेग पीस हमने काटी क्यों हमको भी नहीं पता,
तो उसके बेटे ने कहा तो पापा आप लोग काटते क्यों, तो कोई रीजन? तो बाद में इन्होंने पता किया, तो पता ये चला, ठीक है, सूत्रों के हिसाब से कि उनके घर की जो बहुत पहले प्लेटें जो होती थी वो काफ़ी छोटी होती थी, सहूलियत के लिए वो लेग पीस को कट कर देते थे। तो उसी तरीके से पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, जल्दी सो जाते थे कि इलेक्ट्रिसिटी रात में नहीं मिलेगी, क्योंकि सुबह उठ के उनको पूरा रोशनी चाहिए, पूरा टीम चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। अगर आपको, आप एक कैमरामैन हैं, आप एक व्लॉगर हैं, या आपको ज़रूरी है सुबह उठ के फ़ोटो कैप्चर करनी है, सुबह उठ के आपको कोचिंग जाना है, सुबह उठ के स्कूल जाना है, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपको रात में जल्दी सोना होगा। फॉर मी, अगर मैं रात में जल्दी सो जाऊँगा तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो आधे काम एडिटिंग का जो काम है, देखिए एडिटिंग के लिए अपना एक अलग अलग मैटर होता है, ठीक है। फॉर मी एडिटिंग के लिए चाहिए मुझे पीस, और पीस मुझे मिलती है रात में, सन्नाटा, तो इसलिए मैं रात में जगना पसंद करता हूँ। सुबह अगर मैं उठ के एडिटिंग करना चाहूँ 10 काम निकल जाएंगे अलग से। तो ये मुद्दा था। तो बात ये है कि मेरा एक दोस्त है, पांडे नाम है, और वो अभी आ रहा है, तो उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी दिनों बाद वो आ रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं हमारे कॉलेज टाइम में, तो शुक्रिया, और फिर मिलते हैं। जी सर, मीट माई फैजान सर, ये हमारे पांडे। अरे पांडे आ गए सर, वाइट शूज देखिए बंदे का, वाइट शूज। ओ भाई एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक बार फिर से माइक डिसकनेक्ट हो गया कैमरे से, वो मेरी गलती है, और इस चीज को मैं आगे सुधारूंगा। बट फिलहाल मैं पांडे से यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, पांडे और यहाँ पर मैं, पांडे और फैजान हमारे रूममेट, हम लोग मिल के यही सब बात कह रहे हैं कि पांडे बहुत दिन के बाद आया है, इसका स्वागत है। फैजान सर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, यही सब हम लोग बातें कर रहे थे। और अभी मैं जब डब कर रहा हूँ तो फैजान सर वहां से हंस रहे हैं और पांडे मुस्कुरा रहे हैं, और हम लोग बातें ये कर रहे थे कि कल हम लोग और कहेंगे। मैं पांडे से इस वक्त ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप कुछ कहो कैमरे की तरफ, बट वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो यहाँ पे फैजान ने कुछ जोक बोला, मैं हंसा, तो ये सब बातें हैं। बाकी जो कल का व्लॉग है उसमें पांडे के साथ थोड़ा एक्सप्लोजर करेंगे, यही मैं उससे कह रहा हूँ। माफी चाहता हूँ, काम चला लो, शुक्रिया। ये गाइस, तो बहुत ज्यादा ठंड है और पांडे को हम गर्म पे ये देखिए इंसान जो है छुप के बैठा है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो मुझे बस इतना कहना है कि बहुत ज्यादा ठंड है, और व्लॉग में बस मुझे इतना कहना है कि आप जो पिछली बार जो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, तो उस व्लॉग मैंने ये बोला था कि नवाज के साथ हम जा रहे हैं कुछ काम करने, बट नवाज साथ जा नहीं पाए। नवाज मेरे एक दोस्त आए हुए थे, उनके साथ जा नहीं पाए। नवाज आया था तो उनके साथ कुछ काम करने जा रहे बोले थे, बट नहीं जा पाए, ठीक है, फॉर रीज़न। बट जब भी जाएंगे कुछ अच्छा तगड़ी चीज़ है वो करके दिखाएंगे। करना क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करना है, ज़्यादा बोलनी है उसको कम करने पड़े। तो जो मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि नवाज के साथ जाऊँगा, कुछ अच्छा करूँगा, बट नहीं हो पाया। बट हाँ, सो पांडे आए हुए हैं, पांडे के साथ थोड़ा वक्त बिताना है मुझे। और पीछे कुछ कपड़े दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि कपड़े तो कुछ रखे कुछ नहीं रखे, बट बात यह है कि पांडे के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, बहुत दिनों बाद आए, काफ़ी ज़्यादा बातें करनी है। और आपको लिए जो भी व्लॉग जाएगा, तो क्रिसमस हो चुका रहेगा फैजान पांडे, तो हैप्पी क्रिसमस सर, आप भी बोल दीजिए हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस सबको। और मेरी तरफ से, मेरे एक स्टूडेंट ने छोटी सी क्रिसमस ट्री बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, आप उसको एंजॉय कीजिए। तो कैसा लगा क्रिसमस ट्री, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। व्लॉग को बंद करते हैं, और शायद कल पांडे के साथ हम अल्फा 2 मार्केट में जाए, वो जो प्रदर्शनी लगी हुई है, मैं पांडे को घुमाऊंगा और खुद भी इंजॉय करूंगा, और आपको भी इंजॉय करने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया आपका, और ठीक है, चलिए मिलते हैं मिलेंगे जब भी। लेकिन आज व्लॉग में कुछ मतलब कैमरे में ही रह के पूरी बातें हो गई, चलिए फिर। अच्छा एक बात और है कि हाँ, एक बात और है कि आपको लोगों को लग रहा है कि मैं व्लॉग इतने दिनों से क्यों नहीं बना रहा हूँ, तो उसकी एक रीज़न ये है कि देश में बहुत सही माहौल नहीं चल रहा है, देश जल रहा है, मुझे व्लॉग करने में वाकई अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं CAB के खिलाफ हूँ, जिसको जाना है व्लॉग छोड़ के जा सकता है। बाय।
टाइम लैप्स के चक्कर में मेरी 16 GB मेमोरी कार्ड फुल हो गई। अब मैंने मेमोरी कार्ड चेंज करके ये वीडियो शूट करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम लैप्स के लिए क्वालिटी आप लो कर सकते हैं। ये एक यूट्यूब की तरफ से एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको।